आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, जब आपने अचार को डाला और उसे एक साल तक स्टोर करके रख लिया और खत्म हो जाने पे उसका ऑयल और मसाला बचता है तो क्या आप उसे फेंक देते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी आप उसका क्या कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आम ले लिए हैं, तो आम हमने यहाँ से 5 किलो लिए हैं, उन्हें हमने अच्छे से धुल लिया था, उसका पानी बिल्कुल सुखा लिया है और आम देख सकते हैं हल्का सा पीला है अंदर से, क्योंकि अब आम का सीजन जा चुका है। तो मुझे इसी तरीके के आम मिले थे तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने मसाले को इस्तेमाल कर लें, तो हम इससे दोबारा से अचार बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, तो मैंने आम को यहाँ से कट कर दिया है, आपको इसी तरीके से आम को कट करना है, गुठल आपको नहीं कट करना है, क्योंकि आजकल का जो आम होता है उसका गुठल यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होता है, तो अगर आप गुठल समेत अचार को डालेंगे तो वो खराब हो जाएगा, उसका खराब होने का चांस होता है। तो यहाँ से मैंने इसे 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में सुखा दिया था, धूप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ से फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो पिछले साल अचार डाला था उसका मसाला यहाँ से बच चुका है और देख सकते हैं ऑयल भी काफी बचा हुआ है, अचार बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसी मसाले को इस्तेमाल करेंगे और इस अचार को बनाकर तैयार करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ से इसी डब्बे में हमें अचार को बनाकर तैयार कर लेना है, तो हमने आम को जो कट किया था उसे ले लिया है, उसे इसके अंदर यहाँ से डाल देंगे। तो इस तरीके से आपको आम को यहाँ पर इसके अंदर डाल देना है, सभी आम को मैं यहाँ पर डाल लूंगी, कट करी हुई आमियों को इसके अंदर डाल दूंगी। तो आपको क्या करना है, इस मसाले को बर्तन में नहीं निकालना है, जिस डब्बे में रखा है उसमें ही आप इन्हें मिक्स कर देना आम के साथ। तो मैं सभी आम को यहाँ से डालूंगी, आम थोड़ा सा पीला है, अगर आप इसे सुखाएंगे तो ये खराब होने का चांस होता है अचार का। तो आपको क्या करना है, अगर इस तरीके के आपके पास आम है तो आप उसे बिल्कुल मत सुखाना, बिना सुखाए आप इस अचार को बनाकर तैयार कर लेना। तो यहाँ से मैं इसे मिक्स करूंगी, अच्छे से आपको मिक्स कर देना है। देखिए इसमें हल्दी का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है, ये मेरे पास 8-9 महीने पहला मसाला रखा है जिसमें अचार तो खत्म हो चुका है लेकिन मसाला बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस अचार को इस तरीके से बनाकर तैयार कर लूं और आप लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दूं, ताकि आपके घर पे जो मसाला बच जाता है अचार का उसमें भी आप इस तरीके से अचार बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया है, अब हम इसमें 2 चीज ऐड करेंगे। यहाँ पर आप उन 2 चीजों को ऐड कर देना और अपने अचार को स्टोर करके रख लेना, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ से इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, ऑयल और यहाँ पर जो मसाला था वो बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, इसमें मसाले हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, बस हमें यहाँ पर सिर्फ 2 चीज ऐड करनी है इसके अंदर। तो वो 2 चीज क्या है, वो है यहाँ से नमक, आपको हल्का सा इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी और थोड़ा सा यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले नमक को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, यहाँ से इसे बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स करना है और आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे ये मिक्स हो जाएगा तो इससे क्या होगा, नमक से बहुत ही अच्छे से जल्दी से गल जाएगा और यहाँ पर जो इसके मसाले के अंदर नमक कम है वो भी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब मैं इसे और भी इस तरीके से देखिए मिक्स कर लेती हूँ और आम देख सकते हैं आप, बिल्कुल हमारा यहाँ से मसाले के अंदर जा चुका है। तो आपको इसी तरीके से इसके अंदर अच्छे से मसाले को लगा लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देना है, तो ज्यादा नहीं ऐड करना है आपको, यहाँ से सिर्फ 1 चम्मच के करीब आपको लाल मिर्ची पाउडर ले लेना है। तो मैं यहाँ से इसके अंदर मिर्च को भी अच्छे से ऐड कर दूंगी। तो यहाँ से मिर्च से क्या होगा, इसमें नमक और मिर्च थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि हम आम को यहाँ से देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे, तो इसमें जो है मसाला उसमें मिर्च ज्यादा नहीं होती है क्योंकि हमने उसके अंदर से अचार को खा लिया है, तो मसाला जो था वो अचार का उसके अंदर जो नमक मिर्च थे वो कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है और ये बनकर तैयार हो चुका है अचार हमारा बिल्कुल।